everyone, and you are watching the Crazy Queen. And we are heading towards now Naggar, and we are watching the Naggar Castle, Naggar Art Gallery, and lots of surprises for you guys. So stay tuned on my channel and please subscribe to my channel. So let's get started. आप सोच रहे होंगे मैं ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ, क्योंकि ये गाना यहीं पे शूट हुआ है। मैं अभी आई हूँ नगर कैसल, और नगर कैसल ये 22 किलोमीटर अवे है मनाली से। पूरा का पूरा वुडन और स्टोन से बना हुआ है। कैसल है ये हाफ पार्ट हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया है और हाफ पार्ट म्यूजियम में। और ये कैसल 16 सेंचुरी के बिगिनिंग में बनाया गया है। 14वीं सदी में ये जो नगर शहर था वो कुल्लू शहर का कैपिटल था। आप देख सकते हो ये स्टोन वर्क है और ये वुडन का बिंब बना हुआ है, जो कि इसमें अंदर किसी भी तरह का मॉर्टर दिखाई दिया नहीं जा रहा है। फिर भी ये जो कैसल है इतने सालों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये रूम है यहाँ के हेरिटेज होटल का, जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। देखो कितना रॉयल रूम है, चलो हमें चलते हैं। यही है वो जगह जहां पे जम्मी मेड का गाना शूट था। बेसिकली ये आर्ट गैलरी जो है वो निकोलस रोरिच का रेसिडेंट हाउस था, बट देवी का रानी जो यहाँ की रानी थी उस समय में, उन्होंने उनके मेमोरियल के तौर पर ये प्रिजर्व करके रखा है। और उनकी सारी पेंटिंग्स, उनके सारे जो स्टब्स थे वो यहाँ पे प्रिजर्व है। आप देख सकते हैं ये उनकी कार है। बहुत लोगों को म्यूजियम जाना पसंद नहीं है, बट बेसिकली मुझे म्यूजियम बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए इतना ऊपर चढ़ के मैं म्यूजियम के लिए जा रही हूँ। चलो we'll be right back.
मनाली में खाने का जो फेमस क्यूजिन है वो है ट्राउट फिश। अभी वो हम ट्राउट फिश ट्राई करने वाले हैं। चलो दिखाते हैं आपको भी। चलो ये है ट्राउट फिश और ये फिश सिर्फ ठंडे पानी में पाई जाती है और ये इसका बहुत बड़ा फिश फार्म है और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे ताज़ी ताज़ी फिश उठा के उसको ही पका के ये रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। ये जो जूस है वो रोड़ो ब्रास के फूलों से बना हुआ जूस है, मैं अभी ये पी रही हूँ। इट्स गुड। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं ट्राउट फिश, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। चार दिनों से बहुत अच्छी तरीके से घुमा रहे हैं। हाय करो भैया कैमरे में, कैसे लगे ये ट्राउट फिश? अच्छी, बहुत अच्छी। Journey has ended, but soon another will begin. See you in the next travel destination. Until then, goodbye.